नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता हासिल नहीं हो पाती है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की वह क्या चीज है जो भूलकर भी किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, चाणक्य जो भारत के सबसे बुद्धिजीवी लोगों में से एक माने जाते हैं, उनकी कूटनीति और राजनीतिक दार्शनिकता आज भी विख्यात है और उन्होंने इन पर कई सारी किताबें भी लिखी हैं और उनकी चाणक्य नीति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस चाणक्य नीति में आचार्य ने कई सारी नीतियों का निर्माण किया है, जिनमें कोई भी व्यक्ति एक कामयाब व्यक्ति कैसे बन सकता है इस बारे में पूरी तरह से उल्लेख है। और वह आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या खास गलतियां नहीं करनी है, कैसे उन गलतियों से बचना है ताकि आप भी एक कामयाब व्यक्ति बन सके। दोस्तों, भगवद गीता में भी यह बात बताई गई है कि हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है और हर व्यक्ति की कमजोरी उसका रहस्य होता है, यानी कि उनके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में यदि कोई और जान जाए तो वह मुसीबत में पड़ सकते हैं और बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है और वह व्यक्ति अपमानित भी हो सकता है। आचार्य चाणक्य का कहना था कि आपको अपना रहस्य कभी भी किसी और के हाथों में भूलकर भी नहीं देना चाहिए, यानी कि आपको गलती से भूलकर भी किसी को अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना भरोसेमंद मित्र क्यों ना हो या फिर आपकी प्रिय पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि समय आने पर जब वह आपके विरुद्ध हो जाएंगे तो वह आपका रहस्य किसी और को बता सकते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि विभीषण ने रावण के साथ किया था, भगवान राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताकर। रावण के प्राण उनकी नाभि में है, यही चीज विभीषण ने राम को बताई थी और यही खास रहस्य रावण ने अपने भाई विभीषण को बताया था, जिसकी वजह से यह उसकी मृत्यु का कारण बना था। तो दोस्तों, अगर आपको एक कामयाब व्यक्ति बनना है, आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता हासिल हो, तो इसके लिए आप भूलकर भी किसी को अपना कोई भी खास राज ना बताएं। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।